फ्रंट से देख सकते हो आप, ओरिजिनल पोजीशन से गाड़ी 2 से 2.5 फीट पीछे गई है, और जहाँ पे देखो पाँव देख सकते हो आप क्या हाल किया है, पाँव का इम्पैक्ट ने, जो एक्सीडेंट का इम्पैक्ट यहाँ पे हुआ है, और जो शो पैनल है आगे वो पूरा ही डैमेज हो गया है, वो टोटल चेंज करना पड़ेगा। ड्राइवर साइड बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा इसमें काम ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जसपाल सिंह और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल गिल ट्रक बॉडी समाना पर। जैसे कि आपको हम एक सीरीज़ चलाने वाले हैं एक्सीडेंट गाड़ी की। एक्सीडेंट गाड़ी आप देख सकते हो सामने, इस गाड़ी का पहले हम एक्सीडेंट को आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से इस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। जैसे ही गाड़ी टच हुई है, आगे गाड़ी में टच हुई है, तो ऊपर की साइड में जो फ्रंट है वो उसका बिल्कुल ठीक है पोजीशन, और सेंटर में आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा दबाव पीछे गया हुआ है। देख सकते हो जो लेफ्ट पैनल है वो यहाँ से टच हुआ हुआ है, सबसे ज़्यादा जो नुकसान है इसमें हुआ है, और दूसरा यहाँ पे हुआ हुआ है टचिंग गाड़ी की। उसके बाद तीसरी टचिंग वहाँ पे हुई हुई है, और बम्पर देख सकते हो गाड़ी का बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ख़राब पोजीशन पे बम्पर किया हुआ है, बेंड हो गया काफ़ी बुरी तरह से। 2014 मॉडल है ये गाड़ी, फरवरी की, और देख सकते हो आप आज 2020 फरवरी मार्च चल रहा है, मार्च चलिए टोटल 6 साल गाड़ी को हो चुके हैं यहाँ पर देख सकते हो आप। और कैबिन देख सकते हो, कैबिन बिल्कुल ठीक है, अंदर पीछे बॉक्सा ठीक है, ऊपर छत बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा आगे वाला जो है हिस्सा है उसमें हम आपको दिखाते हैं। जैसे डैशबोर्ड को ज़्यादा नुकसान डैशबोर्ड को हो रहा है, यहाँ पर डैशबोर्ड कैसे बेंड हो चुका है, और बोनट देख सकते हो आप, डैशबोर्ड बिल्कुल इस गाड़ी का नया डलेगा, टोटल नया डैशबोर्ड इस गाड़ी का डलेगा, बोनट नया डलेगा। रेडिएटर में देख सकते हो आप, एक बार दिखाते हैं आपको, हाउस पाइपिंग देख सकते हो आप टूट चुकी है, वाटर बॉडी है वो भी गाड़ी की क्रैक हो चुकी है, टूट चुकी है, रेडिएटर भी नया डलेगा और इंटीकूलर भी नया डलेगा। इलेक्ट्रॉनिक की जो वायरिंग है जो गाड़ी की वो सारी रिपेयर होगी, क्योंकि जो नई इलेक्ट्रॉनिक वायरिंग है वो कस्टमर महंगी पड़ती जाती है कस्टमर को, तो इसको निकालेंगे ये सारी वायरिंग जो यहाँ पर दी हुई है यहाँ पर देख सकते हो। और देख सकते हो आप लकड़ी बिल्कुल ठीक पड़ी है, पर पीछे आने की वजह से सारी चेंज करनी पड़ेगी, आगे सारा फ्रंट नया बनाना पड़ेगा। देख सकते हो आप यहाँ से बेंडिंग हो चुकी है, देख सकते हो ओरिजिनल डैशबोर्ड है ये टाटा का। जब डैशबोर्ड आएगा इस गाड़ी का तो उसकी वीडियो बनाएंगे, कितने रुपए का डैशबोर्ड आया, क्या उसका लेबर चार्ज रहता है, तो वो सारी बातें हम एक बार आपको जरूर वीडियो में दिखाएंगे। यहाँ पर देख सकते हो आप नीचे इंजन तो बिल्कुल ठीक लग रहा है गाड़ी का, इंजन में कोई दबाव नहीं है। जो जब गाड़ी आगे से लगी तो यहाँ पर उसका एंड हो चुका है, यहाँ पर स्टॉप हो चुकी है गाड़ी एक्सीडेंट। और पीछे देख सकते हो बैटरीज वगैरह चादर सब सेफ रही है, बैटरीज वो देख सकते हो, बैटरीज बिल्कुल सेफ हैं। यहाँ पर जो सामान निकाला हुआ है, खिड़की भी साइड खिड़की ठीक है बिल्कुल, फ्रंट में आप देख सकते हो आप यहाँ पर, ऊपर देख सकते हो बैक में भी, वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा चोट लगी हुई है जोर से, और फट्टे वगैरह तोड़ दिए उसने। और देख सकते हो बॉडी में जब जा रही थी गाड़ी तो बॉडी में भी देख सकते हो आप ऊपर कोई चीज़ लगी और एंगल टूटे, और पीछे देख सकते हो आप पीछे डाला की हालत बिल्कुल ठीक है, पर चेसिस बहुत ही यहाँ पर देख सकते हो आप अंदर घुसा दिए चेसिस, यहाँ पर अगर दिखाऊँ तो आपको कम से कम 1 फिट चेसिस प्लेट है जो वो अंदर की तरफ चली गई है। वाइपर का देख बम्पर का देख सकते हो क्या हाल किया है एक्सीडेंट ने, और देख सकते हो यहाँ पर जो चेसिस है वो देख सकते हो कैसे बेंड हो चुकी है, कितनी हैवी चेसिस होती है टाटा की, यहाँ से बेंड हो चुकी है बिल्कुल ही। ये था जी पीछे का व्यू, और जो गाड़ी में माल भरा हुआ था उसका भी हम आपको एक बार व्यू दिखाते हैं। प्लास्टिक दाना देख सकते हो आप, प्लास्टिक दाना भरा हुआ था इस गाड़ी में, अंडरलोड माल था, बिल्कुल ठीक है गाड़ी, बॉडी कैबिन बिल्कुल ठीक है, फ्रंट का ही नुकसान है ज़्यादा, डैशबोर्ड का ज़्यादा नुकसान है,
टाटा 3118 HR 65-95-79। चलिए हम आपको दूसरा अपडेट इस गाड़ी का देंगे जब डैशबोर्ड बाहर निकल जाएगा, क्या इस गाड़ी का और नुकसान जो हुआ हुआ है वो डैशबोर्ड निकाल कर ही पता चल पाएगा। ड्राइवर की सेफ्टी की बात करें तो ड्राइवर को मामूली चोटें लगी हैं लेग्स पर, बाकी ड्राइवर सेफ है, थोड़ा सा शोल्डर पर भी घाव हुआ है। जो गाड़ी का मेन देख सकते हो आप जो टच हुआ हुआ है फ्रंट, वो यहाँ से हुआ पैनल से, और गाड़ी पूरी अंदर घुस चुकी है, कम से कम 2.5 फीट अंदर गई है डैशबोर्ड से। निकाल कर देख सकते हो पीछे बम्पर का क्या हाल किया है, और सामने पोजीशन में बहुत ही ज़्यादा पीछे हुआ है डैशबोर्ड। नीचे से देखो जो डिशे डैशबोर्ड के पाँव हैं देख सकते हो आप क्या हालत की है उसकी, बहुत ही ज़ोरदार झटके से गाड़ी लगी है। और इस साइड देख सकते हो कनेक्ट ड्राइवर साइड कुछ ठीक है, कनेक्टर साइड ज़्यादा केस लगा है। और ऊपर देख सकते हो आप यहाँ पर मीटर प्लेट, स्टीयरिंग बॉक्स, ये सब खोलना पड़ेगा। इस सब आपको वीडियोस आपको रेगुलर ही आएंगी इस गाड़ी की, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार दोस्तों।